गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए मेरा नया माइक, मतलब ये मैंने दूसरी वीडियोस बनाने के लिए लिया है। तभी मैं वही वीडियो बना रही थी तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग भी शुरू करते हैं। और सुबह के बज रहे हैं 9:30 शायद, और मुझे फिर से नींद आ रही है। तो सोई तो मैं काफ़ी हूँ, फिर भी नींद आ रही है। और आज मौसम अच्छा है और मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने प्लांट्स पर। तो ये हमारी सुंदर से प्लांट, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और अभी मैंने करनी है एक्सरसाइज, तो वीडियो इसकी अपलोड, मतलब कि एडिट करके मैंने सेव हो रही है, तो उसके बाद एक्सरसाइज करूँगी और फिर हमें घर का काम करना है। तो आज हस्बैंड ने आना था लेकिन आए नहीं, तो शायद आने नहीं दिया गया होगा। तो वैसे पूछना था उन्होंने, आज तो नहीं, मना कर दिया होगा। तो क्योंकि अभी थोड़े दिन हुए हैं गए हुए, तो इनको होता है कि चक्कर लग जाए घर का। तो वैसे मैं गुस्सा करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा दूर पड़ता है और फिर बार बार आने जाने में वहाँ ट्रैफिक भी होता है और डर भी लगता है। तो मैं इनको मना करती हूँ कि जब ज़रूरी काम हो तब आ जाया करो, लेकिन इनको ये होता है कि मैं घर का चक्कर लगा लूँ तो वहाँ शायद मन नहीं लगता। तो अभी जो है मुझे ये वाले जो कपड़े हैं मेरे, तो एक तो सोच रही हूँ ऐसे ही रख दूँ, तो जब फिर पहनने होंगे तो वॉश करके पहन लेंगे, क्योंकि अभी वॉश करेंगे फिर वो लगेगा। मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे धोने की जगह और इनको सुखाने का, तो इसलिए मैंने सोचा है कि ऐसे ही रख देते हैं कपड़े में बांध के। इसको तेल लगा के अच्छे से ब्रश कर दूँगी इन पे। मेरे पास एक ब्रश है जो मैंने स्पेशली इनके लिए ही लिया है, तो आज मुझे यही काम करना है। तो इनको मैं फोल्ड करके रख दूँगी क्योंकि इतनी ठंड नहीं है, हल्का फुल्का जो है ठंड होती है जब बरसात होती है, तो उसमें तो मेरे पास काफ़ी सारी हैं चीज़ें। तो इनको मैं अभी आज सेट करके रखूंगी। चलिए अभी घर के काम शुरू करते हैं। टाइम हो गया है 11:30 का और मैं जा रही हूँ गुरुद्वारा, क्योंकि आज बैसाखी है तो मुझे पता नहीं था, ना ही वो दीदी ने बताया, तो अभी उनका फ़ोन गया है। मैं बिना नहाए जा रही हूँ, तो क्योंकि आगे झाड़ू पोछा लगाना है, नहीं तो मैंने नहा भी लेना था तो फिर से जो है गंदा गंदा लगता है। तो मैंने अपना ये सूट पहना है तो फिलहाल ऐसे ही है, तो चलते हैं, देखते हैं, आपको भी दिखाएंगे। वैसे कुछ नहीं होता, पार्ट होता है और शायद चाय का लंगर। काम से तो मैं आ चुकी हूँ, तो अभी मैं नहा कपड़े चेंज करूँगी, फिर घर का काम और फिर नहा के खाना खुना खाएंगे। तो वहाँ से लस्सी पी मैंने, उससे मुझे थोड़ी ऐसे वॉमिट टाइप की हो रही है, पता नहीं क्यों। तो अभी आँखों का भी बुरा हाल हुआ पड़ा है, तो अभी फटाफट से करते हैं सफाई, झाड़ू ही लगाना है और आज मैंने कुछ नहीं करना क्योंकि मैं थक गई हूँ और टाइम भी ऑलरेडी 1:30 बज चुके हैं। तो आज मैंने व्लॉग भी लेट ही अपलोड किया है, तो क्योंकि एडिट ही नहीं किया था, तो मैं सुबह सुबह उठ के सारे काम में लग गई तो उसका याद ही नहीं रहा, दूसरी वीडियो बना के डाल दी। तो अभी जो है, क्योंकि आज मेरा ये था कि वो आएंगे लेकिन वो आए नहीं और आज है सैटरडे, तो अभी फटाफट से करती हूँ चेंज, फिर उसके बाद झाड़ू लगा। तो ये भी यहाँ से खाली खाली हो गया है और इसकी भी डस्टिंग कर दूँगी अच्छे से, और बाकी तो सब ठीक है।
टाइम हो गया है 4 बजे का, तो मैं तो फ्री थी, लेकिन सोते सोते मुझे आवाज आई काफी जोर से, क्योंकि मुझे पता था बारिश तो हो रही थी, क्योंकि जब मैं सो रही थी बबलू काफी निकल रही थी। अब तक सूर्य है, अब तक बर्फ पड़ी जा रही है, जो ओले होते हैं बर्फ हुई, लेकिन जो वैसे स्नो होती है वो नहीं पड़ी, तो मैं उसको देख रही हूँ तब से वो पड़े और देखूँ, क्योंकि मैंने कभी ऐसे देखी नहीं। और मैं ऐसे देख ही रही थी तो यहाँ पे एक जो लाइट भी चली गई है, तो मेरी आईज खराब है, इसलिए आज मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया, तो मन ही नहीं कर रहा था, तो अजीब सा हुआ पड़ा है फेस। टाइम हो गया है 4:30 का, और जो ओले हैं वो लगातार तेज होते जा रहे हैं, अभी काफी ज्यादा कर रहे हैं। अभी शाम का टाइम है, लगभग 5:30-6 ऐसे कुछ टाइम हुआ होगा, और मैंने चाय जो है अभी बनाई थी, क्योंकि लाइट गई हुई थी और अब मेरा मन कर रहा था कुछ मीठा खाने को, तो मैंने बनाई गुलाब जामुन उठा के, तो थोड़ा सा खुद को भी रिफ़्रेश लगना था, इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो गुलाब जामुन ही बनाते हैं। वैसे तो और भी खाने को चीज़ें थी, लेकिन मेरा गुलाब जामुन खाने को मन कर रहा था, तो फिर जितनी पड़ी थी खुला वाला पैकेट वो मैंने बना लिया, क्योंकि ऐसे फिर ख़राब भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मतलब आटा लिया है, लगभग 8-10 गुलाब जामुन शायद बन गई होंगी, तो बीच में मैंने डाली है किशमिश। वैसे जो आलमंड है वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन वो मुझे बड़ी उधर से निकालने पड़ने थे, तो डिब्बे में थी नहीं, मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन आलमंड का जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो एक साइड पर मैंने ऑयल जो है फ्राई गर्म होने के लिए रख दिया है, तो मैंने एक वीडियो देखी थी, कुकिंग चैनल देखा था, रूबी किचन है शायद नाम, तो रूबी किचन वो शायद पाकिस्तान से है, मुझे ये नहीं पता, पर वो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, तो उनसे मैंने देखा था, थोड़ा थोड़ा आइडिया इनको फ्राई करने का लिया था, लेकिन उनके पास जो उन्होंने बैटर इसका तैयार किया था वो घर पर ही किया था, मेरा तो रेडीमेड है, तो थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं। तो इस बार गुलाब जामुन थोड़ी सी ना फट गई, मतलब कि ज़्यादा ही कुछ हो गई, फूल गई, तो छोटा साइज़ बनाना था, तो लेकिन टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पे जो है ऑयल जो है मैंने बिल्कुल कम पे रखा है, तो उन्होंने बताया था कि बिल्कुल कम में रखना है, ज़्यादा नहीं इसको मतलब गर्म करना, धीरे धीरे गर्म होने देना है। तो अभी मैं इनको डाल रही हूँ, तो जैसे मैंने डाला तो जितना हिस्सा इसका डिप हुआ पड़ा था उतना हिस्सा फूल गया, तो देखने में बाद में बड़ी अजीब सी लग रही थी, तो जितना ऑयल था मैंने उतना ही यूज़ किया, क्योंकि उस दिन का ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो ऐसे कहते हैं कि बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने और ऑयल इसमें नहीं डाला, तो इसीलिए फिर ऐसी बन गई। तो इसको मैंने फिनिश करना था, फिनिश करके फिर इसको मैंने निकाल देना था, जैसे कुकिंग में यूज़ कर लेंगे कोई सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए, तो बाकी अगर अब कुछ डीप फ्राई करना होगा तो नया ऑयल यूज़ करेंगे। और यहाँ पे सारी गुलाब जामुन जो है मैंने बना ली है, तो एक ही बार में सारी डीप फ्राई हो गई हैं, तो जो मीठा इसका सिरप होता है वो मैंने एक साइड पे पहले ही बना के रख लिया है। तो इसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो इस आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।